एक मूवी में जितना रोल शॉट्स कैमरा एंगल एंड थीम्स का होता है उससे कई ज़्यादा वॉइस का होता है। वॉइस जितनी ज़्यादा क्लियर क्रिस्पी और डीप होगी देखने वाले को उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, फिर चाहे मूवी तुम थिएटर में देख रहे हो या फिर टेरावॉक्स पे, फ़र्क नहीं पड़ता। मोबाइल में वॉइस एडिट करना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो तुम्हारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस को हम 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे और तीनों स्टेप इंपॉर्टेंट है, सो कोई भी मिस मत करना। स्टेप नंबर 1 रिकॉर्डिंग। तुम्हें जो अपनी वॉइस है वो एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ये वायर वाली एक माइक है मेरे पास जो कि 200 से 300 रुपीज़ में आराम से मिल जाती है। अगर तुम्हारे पास ये भी नहीं है तो तुम एयरफोन की माइक से भी काम चला सकते हो। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो तुम्हारी माइक है वो तुम्हारे फेस के पास रहे जिससे तुम्हारे वर्ड्स क्लियरली रिकॉर्ड हो पाए एंड तुम्हारी रिकॉर्डेड वॉइस कुछ इस तरह से होगी। हम लैपटॉप में तो किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड देख सकते हैं। स्टेप नंबर 2 AI। तुम्हें यूज करना है अडोब पॉडकास्ट AI। ये AI फीचर एको एंड नॉइस को कम्प्लीटली रिमूव कर देगा तुम्हारी वॉइस से। बस तुम्हें रिकॉर्डिंग के टाइम में अपनी आवाज अच्छे से रिकॉर्ड करनी है जिससे AI तुम्हारी आवाज कहीं खराब ना कर दे। तुम्हें चले जाना है अडोब की इस वेबसाइट पे, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एंड इसके बाद तुम्हें एनहांस स्पीच पे जाना है एंड यहाँ से एक फाइल चूज करनी है जो भी तुम्हारी रिकॉर्डेड वॉइस है एंड कुछ ही देर में तुम्हें ये वॉइस एनहांस करके दे देगा जिसे तुम यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। एंड एनहांस करने के बाद तुम्हारी वॉइस कुछ इस तरीके से बन जाएगी। हम लैपटॉप में तो किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड देख सकते हैं लेकिन फोन में कैसे देखें। एंड तुमने नोटिस किया होगा कि इसने नॉइस तो रिमूव कर दी लेकिन तुम्हारी वॉइस को बहुत ज्यादा दबा दिया है एंड ये अच्छे से सुनाई नहीं दे रही और वो मजा नहीं आ रहा। इसको हम फिक्स करेंगे 3rd स्टेप में जिसमें हम यूज करेंगे लेक्सिस ऑडियो एडिटर जो कि एंड्रॉयड और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। सो मैं यहाँ पे लेक्सिस ऑडियो एडिटर ओपन कर लेता हूँ। सो ये रही ऐप एंड ये इसका कुछ इंटरफेस एंड इधर आपको ऊपर ओपन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आपको फाइल चूज करनी है। जैसे मैं यहाँ अडोब पॉडकास्ट की जो फाइल थी मैं वहाँ चूज कर लेता हूँ एंड यहाँ से ओपन कर लेते हैं इसको। एंड यहाँ पे आपको ये दो ग्राफ दिखेंगे लेफ्ट और राइट एंड आप देख सकते हो कि ये कितने छोटे हैं क्योंकि इसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा दबी हुई है। सो मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको एक बार। हम लैपटॉप में तो किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड देख सकते हैं लेकिन फ़ोन में कैसे देखें। सो ये आप देख सकते हो कि ये वही आवाज़ जो हमने अडोब पॉडकास्ट से की थी। एंड अभी हम इसको एडिट करेंगे। सो ऊपर आपको 3 डॉट मिलेगा, वहाँ पे आपको जाना है इफेक्ट्स पे एंड यहाँ नीचे कन्वर्ट स्टीरियो एंड मोनो होगा, इस पे जाके आपको कन्वर्ट टू मोनो कर देना है जिससे आपको आवाज़ सेंटर में सुनाई देगी अगर आपकी आवाज़ इन केस रिकॉर्डिंग के टाइम लेफ्ट और राइट हुई होगी। सो ये आपको सेंटर में कर देनी है मोनो में। सो फिर से आपको जाना है 3 डॉट्स पे, इफेक्ट्स पे जाना है एंड यहाँ पे होगा मेन आपका इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर जिससे आपकी वॉइस पूरी चेंज हो जाएगी। सो ये मेरी कुछ सेटिंग जो कि तुम भी कर सकते हो कॉपी या फिर तुम अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। एंड जो एम्पलीफायर है आपको 0 से 10 तक ही रखना है अदरवाइज आपकी आवाज़ ख़राब हो जाएगी। एंड एक बार मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ कि इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारी आवाज़ पे। सो मैं इसको एक बार प्ले कर लेता हूँ। हम लैपटॉप में तो किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड देख सकते हैं लेकिन फ़ोन में कैसे देखें। बहुत ईजी है देखना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो अभी। एक बार मैं इसको ऑफ़ करके फिर दोबारा सुनाऊँगा तुमको। हम लैपटॉप में तो किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड देख सकते हैं लेकिन फोन में कैसे देखें। बहुत इजी है। एंड एक बार दोबारा इसको मैं अप्लाई करके सुनाता हूँ। हम लैपटॉप में तो किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड देख सकते हैं लेकिन फोन में कैसे देखें। बहुत इजी है देखना, चैनल पर सब्सक्राइब। तुम देख सकते हो कि कितना ज़्यादा फर्क आ चुका है पहले की वॉइस में और अभी की वॉइस में। सो इसको अप्लाई कर लेते हैं इधर एंड अब तुम ग्राफ देख सकते हो कि तुम्हारा ग्राफ जो था पहले कि कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है। पहले ये कितना ज़्यादा छोटा दिख रहा था क्योंकि तुम्हारी आवाज़ बहुत ही दबी हुई थी एंड अब ये तुम्हारी वॉइस एनहांस हो चुकी है एंड इसको ऊपर से हम यहाँ से सेव कर सकते हैं डायरेक्टली। सो इन्हीं 3 स्टेप से तुम अपनी वॉइस को प्रोफेशनली बना सकते हो एंड ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर इससे थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हुई है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ और मेरा सभी सेटअप दिल्ली में पड़ा है, तो तुम भी कुछ इस तरह का AI सेटअप बना सकते हो जो कि मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो जाके। मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।